नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं कावेंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के दौरे पर हैं, जहां गोवा की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि को गोरखनाथ मंदिर स्थित भवन में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। उन्होंने मां भगवती के नौ स्वरूपों की प्रतीक नौ कन्याओं के पैर धोकर पहले पूजा की, फिर भोजन कराकर उनकी विदाई की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृ शक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है और इसलिए नवरात्र के नवें दिन कन्या पूजन का विधान हमारे देश में है। वहीं लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। बता दें कि आज एसआईटी की टीम हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। बता दें कि लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की और अंकित दास अगले 24 घंटे तक एक साथ पुलिस की कस्टडी रिमांड में मौजूद रहेंगे। वहीं इस मामले में आशीष मिश्रा की घटनास्थल पर मौजूदगी को लेकर भले ही अंकित दास और खुद आशीष मिश्रा ने इनकार किया हो, लेकिन लखीमपुर पुलिस अब इस मामले में सर्विलांस टीम की मदद लेगी और मोबाइल टावर के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी की मदद से आशीष मिश्रा की मौजूदगी पर छानबीन की जाएगी। गांधी ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का एक बार फिर समर्थन किया है। गुरुवार को उन्होंने किसानों के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने इशारों इशारों में बताया कि सरकार किसानों के आंदोलन का दमन कर रही है और ऐसे में वो अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ खड़े हैं। बता दें कि 41 सेकंड के वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा कि एक बड़े दिल के नेता की तरफ से कही गई बुद्धिमानी की बात है ये। अमेठी में बसपा छोड़कर युवा नेता अरुण मिश्र कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि अरुण मिश्र अमेठी में बसपा के टिकट से मजबूत दावेदार बताए जा रहे थे, वहीं इस बीच उन्होंने बीएसपी का हाथ छोड़ दिया है। वहीं केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने युवा नेता अरुण मिश्र को पार्टी में शामिल कराया। वरुण मिश्र के साथ साथ कई ग्राम प्रधान और सैकड़ों अन्य युवा भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। रामपुर में हुनर हाट की प्रेस वार्ता के दौरान सीलिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान हादसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सुरक्षा कर्मियों ने बचा लिया। इस घटना के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। बता दें कि यह हुनर हाट 16 से 26 अक्टूबर तक रामपुर जिले के नुमाइश ग्राउंड में लगाया जाएगा, जिसमें रामपुर की कारीगरी को खास महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा हास्य कलाकार और सिंगर भी यहाँ अपनी कला का हुनर दिखाएंगे। तो रामपुर से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, हुनर हाट कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर सीलिंग करने से एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। हालांकि जहां पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे, हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उस दौरान उनको बचा लिया। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं, हुनर हाट की तस्वीरें हैं जो कि
रामपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन था जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जहां पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब पहुंचे थे। वहां पर सीलिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस बीच सुरक्षाकर्मियों ने केंद्रीय मंत्री को बचा लिया, जिसके बाद चीजों को व्यवस्थाओं को सही करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से जारी की गई। आगरा में रसोई गैस सिलेंडर के वजन के साथ छेड़खानी की वारदात सामने आई है। इस मामले को लेकर एक युवक ने सिलेंडर में हो रही इस खटतौली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खबरों की माने तो गैस सिलेंडर में हो रही इस खटतौली की कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि सिलेंडर के ऊपर कई तरीके की चीजें हैं जो लगी हुई दिखती हैं, जिसके बाद अब खटतौली का वीडियो बनाया गया और उसको अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। आगरा से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर खटतौली का वीडियो सामने आया है। रसोई गैस के साथ सिलेंडर जो होता है उसके साथ छेड़खानी की जो वारदात है उसको कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद युवक ने इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो चुका है। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी कई लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, वहीं पुलिस ने शिकंजा कसते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये आगरा से तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है और ये बताया जा रहा है कि आरोपी कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरी जो कार्रवाई की गई है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पर खुलासा किया गया और बताया गया कि ये लुटेरे बड़ी लूटों को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद अब इन 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी वेस्ट और सीओ एतमादपुर के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष भरन ने 3 शातिर लुटेरा का उन्होंने गिरफ्तार किया है कल रात चेकिंग के दौरान, और उन लोग से पूछताछ में ये निकल के आ गया। इन लोगों ने कई वारदात थाना भरन और फिरोजाबाद थाना क्षेत्र में उन्होंने कराया है। अभी इन हाल में इन लोगों ने 1 महीने पहले थाना भरन में रात 8:30-9 बजे के बीच में एक वृद्ध अपना घर जा रहा था, उनसे मारपीट करके मोटरसाइकिल छीन के भागा था, और उसके बाद उन लोगों ने और एक फॉर्चून का दुकान में भी इन लोगों ने एक कुंबल लगा के चोरी कराया था, उस पर कुछ ऑयल्स भी रिकवरी किया पुलिस ने। इसके साथ साथ एक दिन लगभग दिन में एक आदमी बैंक से पैसे निकल के जा रहा था अपना घर, उनके पीछे पड़ के उनसे वहाँ से 15,000 रुपये छीना था। और एक सप्ताह पहले थाना फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद में थाना मकनपुर पे वहां पे भी एक मोटरसाइकिल लूट का वारदात कंजम पे वहां पे ने किया था। अमेठी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 महीना पहले गायब हुए एक बच्चे को पंजाब के लुधियाना से सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह बच्चा जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दिछौली गांव से गायब हुआ था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दी थी। सतर्कता दिखाते हुए पुलिस ने बच्चे को अब बरामद कर लिया है। अमेठी से तस्वीरें हैं जहां पर लुधियाना से बच्चे को बरामद किया गया है। बताया जा रहा था यह बच्चा काफी दिनों पहले लापता हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अब बच्चे को फाइनली लुधियाना से बरामद कर लिया है। यूपी के बस्ती जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चैनपुर ब्रिज के पास सब्जी मंडी से पैसा लेकर आ रहे व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि ये बदमाश बाइक पर सवार थे और उन्होंने व्यापारी को गोली मारकर उससे पैसे से भरा बैग उसके साथ छीनकर फरार हो गए। वहीं गंभीर हालत में व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के चलते व्यापारियों में रोष व्याप्त है। तो बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर व्यापारियों से बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। इस बीच बदमाशों ने व्यापारी को गोली भी मार दी, जिसके चलते अब व्यापारी मंडल के लोगों के बीच काफी रोष देखने को मिल रहा है। एटा में एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 5 लोग नदी में डूब गए। वहीं इन 5 लोगों में से 2 लोगों को अब तक नदी से सुरक्षित बाहर
निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं लापता लोगों की खोजबीन के लिए अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। तो एटा की तस्वीरें हैं जहां पर 2 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं, 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आपको बता दें कि लगातार जारी है। एटा में एक बच्चे को बचाने के चक्कर में 5 लोग नदी में डूब गए थे। आपको बता दें कि एटा से ये पूरी घटना निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बच्चा था जो नदी में डूब रहा था, जिसको बचाने के लिए 5 लोग नदी में कूदे, जिसके बाद 5 लोग नदी में डूबते नजर आए। जिसके बाद आपको बता दें कि 2 लोगों को अब तक रेस्क्यू अभियान कर सुरक्षित नदी से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एटा से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वहां का माहौल क्या है, भीड़ लगी हुई है। 2 लोगों को अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 5 लोग एक बच्चे को बचाने के चक्कर में नदी में डूब गए, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया और रेस्क्यू अभियान चलाते हुए 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आगामी यूपी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रसपा अध्यक्ष भी यूपी का रण जीतने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इटावा में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव को लेकर अपना बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि उनका नेता जी वाला चरखा दाव चलाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव के लिए उनकी सपा से गठबंधन की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन रथ के जरिए प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि प्रसपा जो है उसने भी अपनी चुनावी तैयारियों को शुरू कर दिया है 2022 चुनाव के मद्देनजर। आपको बता दें कि इससे पहले प्रसपा ने अपना परिवर्तन रथ निकाल दिया है, जिसकी शुरुआत आपको बता दें कि मथुरा से लेकर तमाम यूपी के जिलों में अब जाने की जो लगातार तैयारियां हैं वो जारी हैं। इस बीच आज शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि चरखा दाव अभी चलना बाकी है। तो शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा हिंट दिया है जो सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर सकता है। तो शिवपाल सिंह ने कहा है कि चरखा दाव अभी चलना बाकी है, और इसके साथ ही एक बड़ा बयान उन्होंने साथ ही साथ दिया है कि अभी भी जो उनकी संभावनाएं हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जी रोहित, शिवपाल जी रोहित, मैं ये जानना चाह रहा था कि शिवपाल सिंह यादव ने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो दरवाजे हैं वो अभी भी उनके लिए खुले हैं, तो इसमें क्या चीज समझ कर आपको आती है कि अभी भी उनके मन में इच्छा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाकर चुनाव में सामने आए? बिल्कुल, शिवपाल यादव जो है शुरू से ही जब अपना राजनीतिक दल बनाकर और जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद से ही उनकी शुरू से प्राथमिकता रही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई उन्हें जवाब नहीं दिया गया है। इसी बात को लेकर आज जो है अब सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर वो जो है यात्रा में निकले हुए हैं। कई जनपदों से होते हुए पूरे प्रदेश यात्रा निकाली जा रही है, और शिवपाल यादव ने आज प्रेस वार्ता करके यह साफ साफ मैसेज दिया है कि अखिलेश के साथ उनके गठबंधन होने के अभी भी संभावनाएं हैं, जिसको लेकर उन्हें आज भी इंतजार है। और यह जो है 12 अक्टूबर जो उन्होंने जी रोहित, एक और चीज है जो चौंकाने वाला बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि बड़ी पार्टी के साथ भी, बड़े दल के साथ भी वो जा सकते हैं, तो ये किस ओर इशारा किया है उन्होंने? बिल्कुल, अगर बड़े दल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर समकक्ष जो उत्तर प्रदेश में जो तैयारी कर रही है वो कांग्रेस है। प्रियंका गांधी जो है लगातार उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो है जा रही हैं, अपने धरने प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार का विरोध कर रही हैं, खुलकर आ रही हैं। तो अगर उनका यह जो कहना है कि बड़े दल के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो साफ सी बात है उनके मैसेज है कि वो जो है या तो किसी कांग्रेस या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, उसमें जा सकते हैं। जी ठीक है, इसके साथ ही रोहित इन्होंने एक और बात की है शिवपाल सिंह यादव ने कि दरवाजे खुले हुए हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन एक और चीज देखिएगा कि एक तरफ विजय रथ निकला हुआ है समाजवादी पार्टी का, तो इनका परिवर्तन रथ भी निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोनों के आपस में टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में जो अब इस समय स्थिति है, एक तरफ जो भतीजे हैं इनके अखिलेश यादव, वो अपने पूर्वांचल से मतलब कानपुर हमीरपुर होते हुए ये पूर्वांचल का एरिया, वहां से अपने विजय रथ निकाल रहे हैं और पूरे प्रदेश में निकालने की बात कर रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव अपने पश्चिम में जो मथुरा से बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद से और इधर साइड का एरिया कवर करते हुए दोनों एक साथ मिलने की तैयारी कर रहे हैं।
मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें अब जो राजनीतिक गलियारों में जो राजनीतिक विद्वान है उनके द्वारा कही जा रही है कि इन दोनों यात्राओं के जरिए दोनों लोग एक दूसरे का शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं और जो अपने एक दूसरों में जो जो भी होगा मतलब आपस में बैठ के बातचीत बन सकती है इन दोनों की। ठीक है, एक आखिरी सवाल और है रोहित, ये बताइएगा कि जो इन्होंने चरखा दाव की बात की है, चरखा दाव की क्या बात करना चाहते हैं, किस नजर से इसको देखते हैं? क्योंकि चरखा दाव देखिए अवध क्षेत्र जो है वहां पर खासा प्रभाव है शिवपाल सिंह यादव का भी, इटावा की बात करूं, एटा की बात करूं, मैनपुरी की बात करूं, तो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का भी यहां पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो चरखा दाव की जो बात की है इसका क्या मतलब निकलकर सामने आ रहा है? उन्होंने अपने बड़े भाई के चरखा दाव जो कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के दाव का यह हवाला देते हुए कहा है कि नेताजी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और उनसे ही उन्होंने ये जो चरखा दाव है जो चलना सीखा था और चरखा दाव से जो है अच्छी अच्छी सत्ता में जाते थे जो मुलायम सिंह यादव जब चरखा दाव चलते थे और वो बड़ा फेमस रहा ये चरखा दाव उनका और उसी दाव को चलने की बात अब कह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि अगर कोई बात नहीं बनती है तो अभी चरखा दाव जो आखिरी दाव है उनका वो चलना अभी बाकी है। ठीक है, तो बात नहीं बनी तो चरखा दाव चलेंगे शिवपाल सिंह यादव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो शिवपाल सिंह यादव इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी बातें जो दो बयान उन्होंने दिए हैं वो एक पहला ये कि चरखा दाव चलना अभी बाकी है। इसके साथ ही दूसरा जो उन्होंने बड़ा बयान दिया है वो ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो दरवाजे हैं वो अभी भी उनके लिए खुले हैं, संभावनाएं खत्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। कासगंज के कस्बा सिडपुरा एटागंज रोड स्थित श्री बांके बिहारी फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल डलवाने आए रंगबाज लड़कों से हूटिंग करने के लिए मना करने पर युवकों ने सेल्समैन आशुतोष यादव के साथ गाली गलौज करते हुए उसकी मारपीट कर दी। वहीं पीड़ित की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन दबंग युवकों ने पुलिस के सामने ही बवाल कर दिया। स्थिति बिगड़ती देखकर पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। तो कासगंज की तस्वीरें हैं जहां पर पेट्रोल पंप पर कुछ युवकों ने बवाल कर दिया जिसके बाद मारपीट की गई। पुलिस हालांकि कुछ समय बाद घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। तो दबंग युवकों की दबंगई की तस्वीरें आप कासगंज से देख रहे हैं जहां पर पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट की गई जिसका पूरा वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। कासगंज का पूरा मामला है। शाम 7 बजे में पंप पे आया, मैंने मशीन की रीडिंग ली, तब दो लड़के खड़े थे, पप्पू नाम है उसके पिताजी का, छोटा वाला लड़का था उसका नाम पता नहीं है मुझे। उसके बाद मैंने कहा वो रेस दे रहे थे बाइक की, तो मैंने कहा भाई साहब थोड़ी आगे कर लो, उन्होंने फिर तेज देने कर शुरू कर दी रेस, फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने गालियाँ दी और मेरा कॉलर पकड़ा। उसके बाद फिर यहाँ से वो सभी ने छुड़वा दिया, फिर वो चले गए। फिर 15-20 लड़कों को लेकर वो पंप पर फिर आए और मेरी मारपीट की 8:30 बजे, उसके बाद यहाँ से चले गए और मुझे मतलब मार तोड़ के मैं यहाँ से चला गया था, पंप खाली पड़ी हुई थी। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर क्षेत्र में बुधवार को डबल मर्डर होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यहां दो दोस्तों की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों के शवों को कब्जे में लेकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। क्या पुलिस को सूचना दी इस बात की? फिर पुलिस आई, क्या कर रही है पुलिस? मेरे दिमाग वही खराब रखा, मैं यहाँ से पुलिस को चल रखा था, यहाँ से लोग बटने कर रहा हूँ। दुलहरा गांव है ये, जो मेरे पास बिल्कुल पास का ही गांव है और घर का मामला है। कहीं ना कहीं दो नौजवान हैं, दोनों लड़के, इनकी हत्या की सूचना मिली, हम सब लोग यहीं पे हैं। वहीं सहारनपुर पुलिस ने दो दिन पहले घर में घुसकर की गई लूट का खुलासा कर दिया है। थाना सदर बाजार और सर्विलांस पुलिस ने लूट करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से लूटी हुई ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया है, इनके साथ ही लूटी गई ज्वेलरी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक तरफ जहां देश में दंगाई फिजा में जहर घोलने से बाज नहीं आते, तो वहीं यूपी के बिजनौर के रहने वाले इस्लामुद्दीन पिछले 20 सालों से
दशहरे के त्योहार के मौके पर अपने हाथों से रावण के पुतले को बनाकर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। बता दें कि इनका परिवार मिलकर रावण का पुतला तैयार करता है और ये काम वो कई सालों से करते आ रहे हैं। तो बिजनौर की तस्वीरें हैं, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम परिवार है जो कि आज भी रावण का पुतला बनाता है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करता है। ये तो हमारे पहले बड़े बनाया करे थे, अब हम बनाने लगे। 200 साल से हो गए हम बनाते थे और यो जो है बाहर के भी बनाते हैं हम, देहरादून, मंसूरी, हरिद्वार। कैसे कैसे बनाते हैं रावण, ये क्या क्या लगाते हैं इसमें? ये इसमें बांस, बांस पेपर, रद्दी, वो सुतली, किले, सारी चीज़ें लगती हैं इसके अंदर, रंग वंग सब। अच्छा, जैसे आप ये बनाते हो, आप एक मुस्लिम हो, इसके लिए कुछ मिसाल देना चाहते हो? इसके लिए भैया यही है कि हम अपने शहर में भी और जगह भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जिस जगह हमारी बात बनी रहे। वहीं यूपी के कासगंज में सहावर शारदीय नवरात्र की नौमी तिथि पर गुरुवार को हवन कर कन्या के रूप में 9 देवियों की पूजा की गई। गांव से लेकर शहर तक घर घर में कन्या पूजन किया गया। मंदिरों में भी मां दुर्गा की पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश भर में गुरुवार को नवमी की धूम दिखाई थी। यूपी के हाथरस में नवमी के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा, जहां लोगों ने मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की है। तो ये आपको बता दें कि मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। देश भर में आज नवमी की धूम दिखाई दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश भर में गुरुवार को जो नवमी की धूम दिखाई गई, यूपी के हाथरस में भी इसका आयोजन किया गया। जगह जगह पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला है और मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। पूरे देश में माता रानी के जगराते गूंजते हुए आज महानवमी का पर्व हाथरस जिले में देखने को मिलेगा, जहां हम स्थित भौरे वाली देवी पर, जहां माता की अलग ही मान्यता मानी जाती है। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं और यहां किस तरीके से आज जो तैयारियां चल रही हैं मंदिर के परिसर में वो हम दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ यहाँ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और क्या प्रोग्राम शाम का रहेगा मंदिर में। मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है। आज जो भोले बाबा देवी की मान्यता है वो हाथरस में बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के। क्या ख्याल मिला लगता है जो है, और शाम को माता जी की आरती होती है, भव्य आरती 9 दिन होती है और जो है काफ़ी यहाँ पे जमघट लगा रहता है, मेला बहुत अच्छा रहता है। कितने श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते होंगे? हजारों की तादाद में, डेली रोज की तादाद में आते हैं। नवरात्रि में हजारों की तादाद में मेला, जैसा कि आपने देखा। और माता जी का रात को विशाल आरती होती है, उसमें भी काफ़ी भीड़ होती है। विसर्जन आरती होती है रात को 12 बजे माता जी की, उसमें भी काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। तो हमारे साथ मंदिर के पुजारी जो मौजूद थे, अब हाथरस में यहाँ भोले वाली देवी पे जो मान्यता बताई पुजारी जी ने, हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उसी के बाद में रात को महाकाली की पूरे शहर में एक वो झांकी निकलती है, उसको देखते हुए यहाँ आके उसका समापन होता है। आज वहीं भोले वाली देवी स्थित मंदिर पर हम मौजूद हैं, जहाँ श्रद्धालु जो आते हैं और तैयारियां हम पीछे दिखाएंगे आपको किस तरीके से चल रही हैं मंदिर में। मैं दीपेश कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हाथरस। यूपी के सभी जिलों में गुरुवार को नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी का समापन हो गया। बता दें कि गाजियाबाद में भी भक्तों ने कन्या पूजन कर अपना व्रत खोला और मंदिरों में जाकर मां दुर्गा के जयकारे लगाए। इस दौरान भक्तों ने मां की पूजा अर्चना भी की है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और इस दिन जो लगातार नवरात्रि के शुरुआत से व्रत करते हैं वो आज के दिन अपना समापन करते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हैं, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और
मंदिर के महंत नारायण गिरी जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं नवरात्रे के इस आखिरी दिन का क्या महत्व है। जी क्या महत्व है जानना चाहेंगे। आपका न्यूज वर्ल्ड का दुधेश्वरनाथ मंदिर में स्वागत है। ये है कि जो नवरात्रे हैं विशेष रूप से एक शक्ति उपासना के लिए होता है कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रगिंडे, कुष्मांड शत्रुघ्न, पंचमम इसकमाल षष्ठम कैतेयन, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, नवमम सिद्धात्री। ये आज रामनवमी भी है और मान लीजिए कि ये जो नवरात्रे हैं तो नवरात्रे में विशेष करके शक्ति अर्जन करने के लिए भगवान राम जब जो है श्रीलंका से विजय होके जब अपना वापस आए थे अयोध्या जी, तो दिवाली के रूप में धूमधाम से मनाया गया। तो देवी की शक्ति उपासना करने के लिए, शक्ति को अर्जित करने के लिए व्यक्ति का जीवन संतुलन रहो, आर्थिक स्थिति सही रहे, मनोस्थिति सही रहे और अपने आप में साहस पूर्वक हम जीवन में कुछ काम कर सकें। इसीलिए हम लोग हर 6 महीने के बाद में जैसे 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र, 2 प्रकंड, तो विशेष रूप से अश्विनी शुक्ल पक्ष का ये जो शरदीय नवरात्रे हैं इसमें जो है शक्ति अर्जन करने के लिए, जैसे राम जो है शक्ति पूरी शक्ति खो गए रावण की लड़ाई होने के बाद, उसको पराजित करने के बाद सब शक्ति खो दिए थे, उसके बाद माता से उपासना करते हुए उन्होंने जो है दोबारा शक्ति को अर्जित किया था। तो समस्त विश्व में रहने वाले जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो सभी जो है माता की उपासना करते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।